मधुर बांसुरी बजाते रहो, ये संगीत सुनकर मुझे कठिन कार्य में भी आनंद आता है। नहीं, दूध। मैं दूध नहीं बनाती मेरे कान्हा, गायें दूध बनाती हैं। मैं तो मक्खन निकाल रही हूँ। दूध, दूध। ओह, तुम्हें दूध चाहिए? मेरे कान्हा को भूख लगी है। भूख लगी। तो तुम पेट भर के दूध पियो मेरे लल्ला। ना 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 ला 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 तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। हाँ बेटा। ओह कृष्णा, मैं जानती हूँ तुम छिप रहे हो, परंतु तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है कन्हैया। मेरी हंडिया फोड़ने के लिए मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। कृष्णा, कृष्णा, क्या तुम लोगों ने कृष्णा को कहीं जाते हुए देखा है? नहीं यशोदा मैया। मुझे यहाँ किसी शक्ति का आभास हो रहा है। कृष्णा, कृष्णा, पकड़ लिया। कृष्णा मेरे प्यारे बच्चे, मैंने ऐसा क्या कर दिया? यदि तुम मुझसे ही डरने लगोगे, उस मैया से जो तुम्हें सर्वाधिक प्रेम करती है, तो कैसे चलेगा? काला बादल। हाँ, मुझे भी किसी संकट का आभास हो रहा है, और तुम भी कुछ कम संकट नहीं खड़े करते हो, परंतु मैं जानती हूँ कि तुम्हें संकट से कैसे दूर रखना चाहिए। अब चुपचाप यहाँ खड़े रहो, मैं तुम्हें बांध देती हूँ।
मैंने तो ये रस्सी नाप कर काटी थी। अब इतनी लंबी ठीक है। बाना नहीं। अब ये अवश्य पूरी हो जाएगी। नहीं बांधो। मुझे नहीं पता ये कैसे संभव है मेरे नन्हे कृष्ण। कदाचित तुम्हें बंधन पसंद नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें बांध नहीं पा रही। कहो यही बात है ना? ये तुमने कैसे किया? ठीक है, बांधो। अब अच्छे बच्चे की तरह रहना और रोना नहीं। मैं अपने कार्य पूरे करके अभी आई। कृष्णा फिर से भागने की कोशिश कर रहा है। देखो देखो फंस गया। जब पकड़े जाओगे ना मैया यशोदा बहुत पिटाई करेंगी। अवश्य कोई विशाल वस्तु गिरी है। हे प्रभु, समस्त जगत के स्वामी, हमें श्राप मुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद। कृष्ण, भगवान कृष्ण प्रणाम। मैं नलकुवारा हूँ और ये है मेरा भाई मणिग्रीवा। हम इन अर्जुन वृक्षों में श्राप से बंधे हुए थे प्रभु। हमें नारद मुनि ने श्राप दिया था क्योंकि हमें हमारी संपन्नता पर गर्व हो गया था। उन्होंने कहा इस श्राप से मुक्ति का एक ही उपाय है, जब हम सर्वशक्तिमान प्रभु विष्णु के दर्शन करेंगे तब हमें इस बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। हम आजीवन आपके भक्त रहेंगे प्रभु। कृष्णा, यहाँ पर हो क्या रहा था कृष्णा? वृक्ष गिर गए आठ्याम। इतने विशाल काय वृक्ष कौन उखाड़ सकता है? कृष्णा ने वृक्षों को उखाड़ दिया। कृष्णा, ये असंभव है। सच में वो इन पेड़ों के बीच घुसकर मुक्त होने का प्रयास कर रहा था और फिर इसने खींचतान की, फिर पेड़ उखड़ गए और उनमें से दो देव पुरुष निकल आए। दो देव पुरुष? हाँ, उन्होंने कृष्ण से बातें की, सर झुकाकर प्रणाम किया और आकाश की ओर उड़ गए। हाँ, जब भी कुछ अद्भुत घटना घटती है कृष्णा आसपास होता ही है। इस लड़के की बात सत्य है, तुम्हारे पुत्र में कुछ तो विशेष है नंद। नहीं, ये विशेष नहीं है, ये तो अद्भुत है। क्यों सत्य कहाना वृंदावन के लाडले? हाँ, बिल्कुल अद्भुत। ओ कृष्णा, वृंदावन के प्यारे कृष्णा, है तू सबका दुलारा कृष्णा। Ah.
कृष्णा कहाँ थे इतनी देर? कृष्णा बोला, ओ मेरा लल्ला, तू बुरा कैसे होगा? तू संसार में सबसे अद्भुत है। शताब्दियों तक धरती पर गड़े रहने के बाद ये मुक्ति तो बड़ी भली प्रतीत हो रही है भैया। बिल्कुल सत्य कहा मेरे भाई। अब हम आजीवन हमें मुक्त करने वाले कृष्ण का गुणगान।